जिन लोगों ने इतना ड्रॉ कर दिया है वो प्लीज चेक करवा दीजिए। मैम देखना मैंने किया, थोड़ा सा कोशिश है हमारी। बरखा आपने किया? हाँ, तो यहाँ पे ये चीज समझिए जरा। अमित कुमार मैंने किया मैम, मैं देखना जरा। बरखा कर रहे हैं आप, समझिए ये लाइन मैंने देखो ये ऐसे ड्रॉ की। मैंने अभी आपको क्या बोला कि ड्राइंग में मेन चीज क्या है कि किसी भी लाइन का एंगल क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है? ये रहना चाहिए था, ठीक है? सबमिट कर दीजिए। बाकी लोग प्लीज जो चेक करवा रहे हैं सिर्फ वही रखिए ऑन माइक अपना, बाकी म्यूट कर दीजिए सब। बरखा भी आप समझिए पहले जरा। यस मैम। मैं यही बता रही थी कि ये जो लाइन है, अब हो सकता है कि किसी एक का पोर्ट्रेट ड्रॉ करो तो उसकी आई में ये इतनी हो लाइन और दूसरे की इससे छोटी हो और तीसरे में इससे भी ज्यादा बड़ी हो। जरूरी नहीं कि ये एज वाइज हम सेम एज के लोगों की भी आई एक दूसरे से अलग होती है। ये बात समझ में आ रही है? यस मैडम। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन वैसे ही आएगी जैसे पहले आई थी। आप स्क्रीन को स्वाइप कीजिए, नीचे डॉट डॉट है उसमें आपको एक किसी पे ये दिखेगा, रानी आर्ट की देख लीजिए बस, उसमें एक में आई दिखेगी आपको। तो ये शेप पहले बरखा समझ लीजिए, ये एंगल है, ये लाइन बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, ये इससे छोटी रहेगी, ठीक है? ओके। तो छोटी छोटी डिटेल है जो समझने वाली है। और दूसरी चीज ये, जैसे एक स्कूल में से एक ही क्लास में एक ही एज के बच्चे हैं, सबका फेस एक दूसरे से नहीं आ रही। मेरे इस बोलो स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? आपने लैपटॉप से किया है ना, तो गैलरी में जाइए, गैलरी में जाके मोबाइल से किया। नीचे स्क्रीन के, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ग्रे कलर की और व्हाइट कलर की डॉट डॉट आ रही है, उनको स्वाइप करोगे तो उसमें से एक में रानी आर्ट के आईडी पे आपको ये आई दिखेगी। तो बरखा ये बात समझ रहे हो अभी? यस मैम, मैंने करेक्ट किया है, आप चेक करिएगा। और आई नहीं हो गई है आपके वाले में, लेंथ ज्यादा हो गई है, विड्थ कम हो गई है, ठीक है? होती है ऐसी आई, मैं ये नहीं कहती कि ऐसी आई होती नहीं है, लेकिन हमें क्या सीखना है कि जो दिख रहा है हम वही ड्रॉ कर पाए। बात समझ में आ रही है? नरेश जी आपकी स्क्रीन आ रही है, इसका मतलब सब ठीक है, सिर्फ आपको स्वाइप करना है। आप अपनी स्क्रीन को स्वाइप कीजिए नरेश जी। हाँ जी, आपकी आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आपको क्या दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे? अपनी फोटो दिख रही है। बाकी के लोग नहीं दिख रहे क्या? जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स है वो दिख रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। आप दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सब दिखेंगे आपको। अगर मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन को स्वाइप कीजिए। नरेश जी एक काम कीजिए। हेलो नरेश जी। स्क्रीन को स्वाइप कीजिए तभी दिखेगा। वो आपकी फोटो वाला आ रहा है। हाँ बस वैसे ही एक और दिखेगा उसमें ही आएगा। मैंने भेजा, मेरा चेक कीजिए जरा। हाँ तो ये चीजें, और आपकी लाइन जो है वो शार्प नहीं है बरखा। बाकी ये बातें जो मैं बरखा जी को कह रही हूँ वो मैं सबको कह रही हूँ। एक्चुअली सब सुन रहे हो क्या ध्यान से? हाँ जी मैम। म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, और किसने सेंड किया था अपना वर्क? सॉरी कौन चेक कर रहा था? हाँ जी मैंने। बोलिए, नाम बोलिए अपना। आप जाए तो बस चेक करवा रहे हैं। और कौन चेक करवा रहा है?
हेलो हेलो मैडम जी, ये डेमो वाली क्लास खत्म हो गई क्या? आगे तो नहीं चल रहा कुछ? ये डेमो वाली ही क्लास है अमित जी, आप थोड़ा इसको ऐसे कर दोगे? हाँ मैडम, स्क्रीन नहीं आ रही प्लीज। वो स्वाइप करने पे ही आएगी, आप क्लिक कीजिए अपनी फोटो पे जो आपको दिख रही है, फिर उसके बाद नीचे डॉट दिखेंगे, फिर उसको स्वाइप कीजिए। हमें ये लाइन जो है ये बाहर की तरफ ड्रॉ करनी होती है, हमारे जितने भी फीचर है हम जब भी जब भी हम उनको ड्रॉ करेंगे तो लाइन बाहर की तरफ होती है, ये ऐसे बाहर की तरफ, नीचे भी है तो बाहर की तरफ, ठीक है? सब बाहर की तरफ होंगी लाइन, अगर आप अंदर की तरफ ड्रॉ करोगे ऐसे तो वो गलत हो जाएगी। ये बात सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं बोल रही, सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप इसको अंदर से ऐसे नहीं ड्रॉ करोगे, पहले तो ये स्ट्रेट रहेगी, फिर उस पर हल्का सा ऐसे कर्व दोगे, ये बात क्लियर है? और नीचे की लाइन मैंने बोला था ये स्ट्रेट आएगी, उसके बाद हम ये लाइन देते हैं और फिर ये ऐसे हल्की सी ऐसे जाएगी, जो यहाँ पे कर्व हमें दिखते हैं ना उसके लिए उसको हल्का डार्क करते हैं ये शेप देने के लिए। ये देखो मैडम, स्क्रीन नहीं आ रही प्लीज, क्या करूं? ये डेमो क्लास के लिए अभी आप ऐसे ही सुन लीजिए, आपकी क्लास सैटरडे को शुरू होगी नरेश जी, मैं अभी थोड़ी देर बाद में ना जैसे ये क्लास खत्म होती है आपको बता दूंगी कि कैसे करना है ये, ठीक है? आपकी वो फोटो तो आ रही है और कुछ नहीं आ रहा मेरी, अगर वो वाली आ रही है आईडी आपको दिख रही है जिसपे मेरी डॉट सारी दिखाई दे रही है, हाँ तो वो बस आपको स्क्रीन ही स्वाइप करनी है, इतना सा ही काम है और कुछ नहीं करना, अपनी स्क्रीन को स्वाइप कीजिए। ये शेप कैसे आई समझ में आ रहा है सबको? ये हल्का सा ही अंदर की तरफ ऐसे डार्क करोगे तो ये ऐसे शेप आएगी, क्योंकि हमारी आई जो है वो ऐसे राउंड है, ठीक है? और फिर ये वाला हिस्सा, और जो हमारा हाईलाइट वाला एरिया है वो हाईलाइट जो है वो या तो लेफ्ट होती है या राइट होती है, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन जो आती है वो नीचे ऑपोजिट साइड पे होती है। ये देखो सबको दिख रही है क्या? ये नहीं आ रही मैडम, क्या देखे? आपको मैं बाद में बताती हूँ, ये क्लास खत्म हो लेने दीजिए, आज के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? अभी अमित जी आप ये देखो कि टियर ब्लाइंड का साइज क्या है, छोटा हो गया? अच्छा छोटा कर दिया मैं, हाँ ये देखो, ये यहाँ कट नहीं था यार, हाँ। किसी और ने भी ड्रॉ किया है क्या? किसी और ने भी ड्रॉ किया? हाँ जी मैम, मैंने किया। चेक करवाइए, चेक करवाइए। सरस्वती शर्मा, सरस्वती किस नाम से है? सरस्वती नाम से ही है। हाँ जी माइक बंद करवाइए मैम एक बार। आर्यन डबल लाइंस नहीं लगाते, और ये आपने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया ऐसे ऊपर की तरफ चला गया है, ये टियर ब्लड, ये राउंड आएगी ना आई आपकी, और बैक में बहुत बड़ा हो गया ये साइज जो है उसका, देखो हाँ। अब यहाँ पे चेक कीजिए आप कि एक तो ये आपने यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे तो होगी ही नहीं, मैंने बोला ये स्ट्रेट
इसको कर्व देना होगा, तो बस हम हल्का सा यहाँ से डाप करेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये कर्व आ जाएगा। तो आपको खुद से ये ऐसे राउंड नहीं दे लीजिए, समझ रहे हो जी मैम? इतनी लाइन डार्क नहीं ड्रॉ करनी, देखो मैंने सारी लाइन लाइट ड्रॉ की है, सिर्फ अब इतनी डार्क की है यहाँ पे। मैं मेरी देखना, मैंने बनाई किरण राज, किरण राज। हाँ एक मिनट, आपका आई बॉल बहुत बड़ा हो गया दार सिंह जी। ओके मैम, ठीक है। और ये भी आपने ऐसे कर दिया, मैंने बोला था ये ऐसे रखोगे, हल्का डार्क करना होगा, शेप देनी होगी, तो हम हल्का डार्क देके बस कर देंगे, ये शेप दे देंगे, ठीक है। और चेक करवाइए क्या चल रहा है। ओके मैम, किरण राज बहुत बड़ा हो गया था आपका। किरण राज जी कहाँ पे है आपका? पता कर दीजिए। किरण जी किस नाम, किस आईडी से है? अच्छा किरण 77, ठीक है। हाँ किरण जी जूम कर दोगे जरा, जूम कर दो जरा जी। अच्छा, आओ कैमरे के और पास ले आओ। हाँ मैंने बोला था कैमरा के पास ले आओ थोड़ा सा। फिर से वही बात है कि ये लाइन थोड़ी बाहर की तरफ आएगी, ये भी लाइन बाहर की तरफ। अभी मैंने बोला ये चीजें दोनों, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो एक बात बोल रही हूँ एक के लिए, वो सबके लिए ही है, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपकी वो ऐसे जाएगी, तब आई में ब्यूटी आएगी, मेरी बात समझ रहे हो सब? तो वो पता चलेगा कि शेप जो आई है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? ना तो आपको ये टियर लाइन से आपको ना तो ये लाइन ज्यादा अंदर की तरफ करनी है ऐसे नीचे की तरफ, ना ऊपर की तरफ करनी है, मेरी बात समझ रहे हो? जी मैम, यस। ये लाइन स्ट्रेट जाएगी यहाँ से, ठीक है, फिर ये राउंड आएगी शेप, और जब इसको शेप देनी है तो हल्का डार्क करोगे बस यहाँ से। बात समझ में आ रही है किरण जी? यस मैम। हाँ थैंक यू मैम। और किसी को चेक करवाना है? मयूरी आपने किया या आपने? मेरा चेक करवाना है, सरस्वती शर्मा जी। सरस्वती जी अब चेक करवाइए, सरस्वती मिल गए, मिल गए, चेक करवाइए स्क्रीन नहीं आपकी एक्चुअली शो हो रही। नरेश जी आपको अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? आप म्यूट पे हो। सरस्वती जी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, नाम आ गया नहीं हो रहा मैम सर। ऊपर कैमरा टर्न का बटन है, उस पे करके करो। किसी ने दो डिवाइस है, एक की म्यूट कर ली, म्यूट कर ली है। तो ठीक है आगे चलते हैं। जो हाफ आई बॉल है आपका वो शेड में रहता है ऊपर की तरफ, नीचे रिफ्लेक्शन आती है, ये सबको दिखाई दे रहा है। ये आपका आई बॉल जो है वो हाफ में नीचे, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन आएगी हाईलाइट की, तो यहाँ पे ये ग्रे रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा
हर किसी की आई जो है हाफ में ऊपर से डार्क हो जाए। और आप इसको जो है आपके जो टूल्स होते हैं उसके साथ भी ऐसे, अभी बात हो रही थी तीन चीजें होती है ड्राइंग में, पहली लाइन, दूसरी शेप, लाइन सॉफ्ट होनी चाहिए, दूसरी चीज आपकी शेप प्रॉपर होनी चाहिए। वो शेप प्रॉपर तब होगी जब आपको मसल की नॉलेज होगी जो मैंने अभी पहले बताया आपको। उसके बाद आती है शेडिंग, ठीक है, शेडिंग में आप टूल्स यूज कर सकते हो, टिश्यू पेपर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर देता है, आप ब्रश यूज कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे टूल्स यूज कर सकते हो, ये पेपर टूल्स सबके पास होते हैं, किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं आपको आसानी से, ठीक है, ये पेपर को इसको ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं, और ये जो क्ले के जैसी आपके रेजर होती है ये काम आएगी आपके, ठीक है, ऐसी और भी रेजर होती है, इलेक्ट्रॉनिक भी होती है, वो टूल्स बाद में, पहले आपको शेप समझ में आनी चाहिए, आपकी लाइन सॉफ्ट होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, सबसे पहली चीज वही है, ये टूल्स बाद में है, ठीक है। और एक चीज सॉफ्टनेस रहनी चाहिए, अब आई में हमारी पानी होता है, ठीक है, तो वो फील आना चाहिए पूरा का पूरा, तभी वो एक्सप्रेशन आप दिखा सकोगे, तो अगर आप शेड पूरा प्रॉपर लगाओगे तभी वो एक्सप्रेशन आएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है सबको। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो जी, जी मैम, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? यस मैम। तो ये जो शेड है वो प्रॉपर आना चाहिए, तभी वो दिखेगा कि आई में पानी होता है और वो शाइन कर रही है। इसका इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, अगर ये राइट साइड पे होगा तो लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे आएगा। ये सबको पता चल गया कि ये कैसे आपने शेड देना है, ठीक है, आई के अंदर भी यहाँ पे शेड आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया, फिर से बता रही हूँ कि आई जो है ऐसे राउंड शेप में है, यहाँ से उभरी हुई है ऊपर की तरफ है, दोनों साइड से यहाँ पे वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो शेड आएगा, तभी वो उभार आपका नजर आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जहां पे भी मसल टर्न करते हैं ऐसे वहां पे शेड आता है, मेरी बात समझ में आ रही है? जी मैम। अब इस वाले मसल में क्या है कि ये मसल ऐसे हाफ में जो है वो अंदर की तरफ यहां से टर्न कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये आपका अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है यहाँ पे, और ये मसल जो है वो हाफ अंदर की तरफ यहाँ पे टर्न कर रहा है। मैंने आपको ये आई दिखाई थी कि आई का सॉकेट है, ये अंदर की तरफ आई इसमें इतनी सी है, जो भी मसल यहाँ पे टर्न कर रहे हैं अंदर की तरफ वो शेड में रहेंगे, यहाँ पे शेड रहेगा ये एरिया में, ठीक है, ये हिस्सा उभरा हुआ है, ये मसल उभरा हुआ है, लेकिन बाकी की सारी चीजें जो है वो अंदर की तरफ जब टर्न करेंगी तो शेड आएगा। अपनी आई को आप ऐसे टच करके फील करो, ये जगह पे, ये सारी जगह पे फील करो, अपनी आई को सब टच करो यहाँ पे, तो पता चलेगा आपको कि ये मसल अंदर की तरफ है। अब अंदर की तरफ है तो वहां पे, हेलो मेरी आवाज सुन रही है सबको? यस मैम, आ रही है आवाज? यस मैम। तो आपको वो फील होगा कि वो क्यों अंदर की तरफ है और वहां पे कौन सा हिस्सा है जो उभरा हुआ है ऊपर की तरफ, जो हिस्सा ऊपर की तरफ है वहां पे लाइट रहेगी,
और जो ऐसे नीचे की तरफ टर्न कर गया वहां पे शेड बढ़ता जाएगा, ये टोनल वैल्यू है यहाँ पे। ये बातें समझ में आ रही है सबको? यस मैम। ओके और जो आईब्रो है वो फ्रंट से आपके यहाँ पे लाइट रहेगा, ये एरिया में सबसे ज्यादा डार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि बोन अंदर की तरफ टर्न कर रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिडल टोन में रहेगा और पीछे की तरफ भी मिडल टोन में रहेगा। जो हिस्सा यहाँ पे उभरा हुआ है सिर्फ वहीं पे लाइट आएगी। ये बात समझ में आई सबको? अब फोटोग्राफ में क्या होता है कि जो उसको दिख रहा है उसने वहीं पे वही ऐसे ही क्लिक कर दिया। अब वहां पे पूरा का पूरा आईब्रो आपको डार्क नजर आ रहा है, लेकिन पेंटिंग के रूल अलग हैं। हमने टोनल वैल्यू देनी है, तो हमने टोनल वैल्यू किस हिसाब से देनी है? मसल के हिसाब से, कि ये मसल यहाँ पे उभरा हुआ है तो यहाँ पे लाइट आएगी। अब लाइट है तो उसके साथ का हिस्सा जो है मिडिल टोन में रहेगा, उससे ज्यादा आगे जाएगा तो डार्क हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस मैम। जी मैम। ठीक है, हम पेंटिंग के हिसाब से चलेंगे, हम फोटोग्राफ के हिसाब से नहीं चलेंगे। फोटोग्राफ से हमने ड्राइंग ले ली है, शेड कहाँ पे आएगा वो ये ले लिया, लेकिन चलेंगे हम मसल के हिसाब से। पेंटिंग के रूल जो है वो मसल के हिसाब से चलेंगे, वो फोटोग्राफ के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है? पेंटिंग पेंटिंग है और फोटोग्राफ फोटोग्राफ है। और ये कभी भी किसी आर्टिस्ट को, जितने भी लोग डेमो में आए हैं, प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि उसकी पेंटिंग जो है उस फला आर्टिस्ट की ऐसे लग रहा है जैसे कोई फोटोग्राफ है। उसने जिंदगी निकाल दी इस चीज के लिए मेहनत करने में कि उसकी पेंटिंग फोटोग्राफ ना लगे, मेहनत की उसने। ये कितनी चीजें, अभी एक आई कंप्लीट भी नहीं हुई और हमारी इतनी क्लास चली गई इसमें। तो इस बात को प्लीज यहाँ से सीख के जाइएगा कि पेंटिंग में और फोटोग्राफ में फर्क होता है। आर्टिस्ट मेहनत करता है कि वो पेंटिंग बना सके, उसकी कभी भी पेंटिंग को ये मत कहना कि ये फोटोग्राफ जैसा लग रही है। क्लियर है ये बात? यस मैम, बिल्कुल। उसको सबसे ज्यादा बुरा यही लगेगा किसी भी आर्टिस्ट को, जब उसको ये कह दिया जाए कि उसकी पेंटिंग जो है वो एक फोटोग्राफ लग रही है। तो कैमरा में और उसमें क्या फर्क रहा? उसने सारी जिंदगी लगा के एक चीज सीखी। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर भी ले सकते हो, उससे ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, ठीक है? तो जब हम ये ड्राइंग करेंगे तो एक सेम टोन एक पूरी आई को पहले दे देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मसल जो है कितना टर्न किया, वहां पे कौन सी टोनल वैल्यू लगनी चाहिए। टोनल वैल्यू सबको समझ में आती है क्या होती है? टोनल वैल्यू क्या होती है, सबको समझ में आता है ये चीज? डिस्क्राइब करना पड़ेगा मैम थोड़ा सा, ये नाम से तो पता होता है पर इतने ज्यादा। हाँ जी, डिस्क्राइब करना पड़ेगा मैम इसके। अच्छा, नहीं पता है मैम। नहीं पता है, टोनल वैल्यू समझिए जरा। कोई भी कलर मान लो, ये पैलेट पे कलर है मेरे, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है ना, सारे कलर है। इसी में मैं अगर व्हाइट मिक्स कर दूं तो इसकी लाइट टोन बन जाएगी ना, और इसी में मैं ब्लू मिक्स कर दूं तो ये डार्क हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस यस। चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, तो क्या हो गया, वो उसकी टोनल वैल्यू है कि कोई कलर कितना लाइट है या कितना डार्क है। अब यही पे देखिए, यहाँ पे कलर जो है ऊपर की तरफ ये लाइट है, इसमें व्हाइट मिक्स किया हुआ है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है ये डार्क होता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ,
तो किसी भी कलर को, किसी एक कलर को मान लीजिए कि ये रेड ही है, रेड मेन हमारा कलर है, क्रोम क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो कोई भी कलर जो है वो कितना लाइट या कितना डार्क है, ठीक है, वो उसकी टोनल वैल्यू है। तो यहाँ पे जितनी मसल उभरा हुआ है वहां पे लाइट आ रहा है कलर, ठीक है, और टर्न कर दिया तो और डार्क हो गया। मान लो ये 2B है, ठीक है, ये 2B है, तो ये हो गया तो 4B हो गया, और डार्क किया यहाँ पे तो 6B हो गया, ठीक है। ऐसे ही उसकी जैसे जैसे और टोनल वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो मसल टर्न करेंगे, जैसे जैसे टर्न कर रहे हैं मसल, वैसे वैसे वो और डार्क होते जाएंगे। तो ये टोनल वैल्यू है इसकी, ये समझ में आ रहा है? Yes. तो जैसे ही ये और इस तरफ गया, तो मैंने मान लो कि यहाँ पे और डार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी, ये आप अभी जो यूज कर रहे हो वो क्या है? चारकोल पेंसिल है? चारकोल है, मैंने दो तीन चीजें यूज की अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे। हाँ जी, की पेंसिल अभी आप अप्सरा की यूज कीजिएगा, स्टेडलर भी ठीक है, अच्छी है वो भी बहुत। स्टेडलर में क्या होता है कि जो तो उसके नंबर कम है वो ग्रे में रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और होता है वो डार्क हो जाता है। वैसे तो 12B तक भी उसका ग्रे शेड रहता है, लेकिन वो थोड़ा ब्लैक टोन देती है। ग्रे में क्या है, एक स्मूथनेस है, वो स्किन वाला फील आता है इसमें। ये जो ग्रे है कलर, मैं अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ, अब ये कलर है, ये ग्रे में है, ये ब्लैक, ये समझ में आया? जी मैम, बहुत डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा डार्क है, ये ब्लैक है, ये ग्रे है। ग्रे जो है वो आपको स्किन का फील देता है। और एक चीज सुन के जाइएगा, समझ के जाइएगा, अभी क्लास खत्म होने वाली है, कि जब भी आप ये, वैसे भी ये 10 मिनट्स के बाद बंद हो जाएगी मीटिंग, में फिर उसके बाद नहीं ऑन करूंगी, ठीक है। तो ये बात समझ के जाइए अभी यहाँ से, बेशक ये कंप्लीट हो ना हो, कि जब भी आप ड्रॉ करो किसी को भी, किसी की भी आई या फुल फेस ड्रॉ कर रहे हो या कुछ भी, तो एक सबसे अहम चीज होती है वो ये होती है कि फील, आप क्या फील करके उसको ड्रॉ कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई सबको? आप फील क्या कर रहे हो? अगर आप ये फील कर रहे हो कि ये पेपर है और ये पेंसिल है और बस आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो आप कभी कुछ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लीजिए। कभी वो उसमें वो लाइव लाइवनेस नहीं आएगी जब तक आप उसको फील नहीं करोगे ये सचमुच किसी की आई है, वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी इसमें। वो आईब्रो वैसा आईब्रो नहीं ड्रॉ कर पाओगे, वो आईबॉल वैसा आईबॉल शाइन नहीं करेगा, वो शेप वैसी नहीं आएगी, वो शेडिंग वैसी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले अंदर से फील करना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं कि पेंटिंग जो है वो मेडिटेशन के लिए है। आप मेडिटेट करते हो जब आप ड्रॉ करते हो कुछ, क्योंकि हमें फील करना पड़ता है, मशीन नहीं है हम। बात समझ में आ रही है? यस मैम। मशीन नहीं हो आप, फील करोगे उस चीज को तभी ड्रॉ करोगे ना। यस, तो फील करो कि ये सचमुच किसी का ये, तो कैसे गलत फील आप ड्रॉ कर पाओगे फिर? तो आप फील करोगे ना ये सचमुच किसी की आई है, यहाँ से ये इतना शेड में रहेगी, ठीक है, ये इतनी सॉफ्टनेस आएगी, गलत लाइन ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, रुकोगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अभी किसी को चेक करवाना है इतना शेड किसी ने लगाया है तो? यस मैम, मैं कराता हूँ। अमित
ओके ये किया। हाँ वो चीज फील कीजिए जो मैंने अभी कहा आपको कि ये हाफ में ना, ये हाफ में आई जो है, हाफ में आएगी डार्क यहाँ से। अच्छा ठीक है, हाफ में यहाँ पे ये ओवल शेप नहीं देनी है कि यहाँ पे ओवल शेप नहीं, ये यहाँ पे हल्का सा शेड आएगा, ये देखो रिफ्लेक्शन आएगी, सॉरी शेड नहीं रिफ्लेक्शन आएगी यहाँ पे, ठीक है, हल्की सी ही आएगी जी, तो ये हल्का सा ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ऐसे इन और इन दोनों के कंपैरिजन में। अभी एक और चीज समझिए यहाँ पे सब लोग प्लीज, ये स्मूथनेस आनी जरूरी है, आप अपनी स्किन में देखिए जैसी आपने आई ड्रॉ की है क्या ऐसी होती है हमारी आई? जी नहीं मैम। अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, फील कीजिए, जब तक वो फील नहीं आएगा नहीं आ पाएगा वो, आप तब तक उसको खुद को करेक्ट करते रहोगे जब तक आप फील नहीं करोगे, फील करोगे तो वो कर पाओगे करेक्शन सारी की सारी, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने टीचर खुद बन जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो, दूसरे से पूछने से पहले आप खुद से पूछोगे और फील करोगे किसी की आई को, अपनी आई को, और फिर खुद को जितना ज्यादा अच्छे से समझोगे उतना दूसरों को समझ पाओगे, इसलिए मिरर में बार बार कह रही हूँ, मिरर में अपने आप को देखो, अपने फीचर्स को फील करो, शेप क्या है, साइज क्या है, आपके नोज का, आपकी आई का, कितने तरह के मसल है यहाँ पे, आईब्रो कैसे शुरू हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, ठीक है, कहाँ से उभार है, लाइट कहाँ पे पड़ रही है, अलग अलग एंगल्स पे अपने फेस को देखो, फोटो क्लिक कर लो अपनी, मोबाइल में देख लो, सबके पास मोबाइल है, ठीक है, जितना फील करोगे उतना अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो मुझे अब सब लोग ये बता दो कि आपने क्या सीखा आज की क्लास में, और मुझे फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, अपनी अपनी ड्राइंग सेंड कीजिएगा सब, ठीक है, ओके मैम। मेरा वर्क के लिए मैं आपको लिंक ट्री सेंड कर दूंगी, अभिषेक लिंक ट्री आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप मेरे व्हाट्सएप उस पे क्या कहते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, हाँ जी, चेक कर सकते हो मेरा वर्क, तो अपना वर्क चेक करवा दीजिए और उस पे जरूर लिखिएगा ग्रुप में कि आपको ये वर्कशॉप कैसी लगी, ये डेमो क्लास कैसी लगी, ठीक है, ओके। और ये आपकी क्लास कितनी है क्या? हाँ जी हाँ जी, आपकी क्लास हो गई क्या? हाँ जी मेरी हो, हाँ जी मेरी हो गई। अच्छा जी मैम, एक बार टाइम बहुत हो गया है तो इसलिए मुझे यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, टेढ़ी यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है, करते हैं, परसों है ना 5 से 6 वापस, पाँच तो हो गए, 6:30 हो गए, 6:30 हो गए, नहीं नहीं अब तो परसों है ना, आज थर्सडे, सैटरडे को और क्लास होगी, हाँ जी यही टाइम है, यही लिंक है, हाँ जी, और जिस जिस को भी ज्वाइन करना हो, अगर अच्छी लगी हो क्लास ज्वाइन करना हो तो प्लीज मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और भी कोर्सेज चल रहे हैं, एडवांस के भी हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तब भी मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो सब, ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप पे, और अगर किसी को अभी चेक करवाना है तो कुछ टाइम है हमारे पास, आप चेक करवा सकते हो,
किसी को चेक करवाना हो चेक करवा सकते हो आप, नहीं तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी अभी। मेरी कैसा लगा? जी मैम मेरा देखना। ये मेन प्रॉब्लम आपकी शेप में है, इस पे वर्क कीजिए, ठीक है? ये लाइंस जैसे मैंने बताई थी वैसे ही अब आप जब भी किसी रेफरेंस को देखो तो ये लाइंस चेक करो उसमें, ठीक है? उस रेफरेंस में कैसी है? आई बॉल बहुत अच्छा बना है, शेडिंग आपने अच्छा किया, पहले सॉफ्ट से रखी है, जैसे जैसे मसल टर्न होंगे आप धीरे धीरे उसको और डार्क करते जाओगे, ठीक है? ये लाइन में आपकी सबसे ज्यादा गड़बड़ है, इसी के ऊपर वर्क कीजिए इतने से लेके यहाँ तक, ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैम। ओके मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। मैम मेरा देखिए प्लीज। पूनम आपकी भी यही लाइन में सबसे ज्यादा गड़बड़ है इतने एरिया में, ठीक है? आई बॉल भी पिपल जो है वो सेंटर में नहीं है, थोड़ा नीचे की तरफ हो गया और इसको इसकी वजह से एक्सप्रेशन गड़बड़ हो जाते हैं डियर, तो आप सब भी ध्यान रखिए पिंपल जो है हमेशा सेंटर में आएगा, एंगल कोई भी हो आएगा, ठीक है? मैम मेरा देख लीजिए। शेडिंग एकदम से डार्क नहीं करते, पहले धीरे धीरे बेस ही करते हैं फिर उसके बाद। और कौन चेक करवा रहा है? किरण राज जी। मैम जी किरण आपकी भी जो है आई की प्रॉब्लम है, सबकी यही पे होती है ये मलेरिया में, तो सबको फिर से कह रही हूँ जितने लोग अभी हो क्लास में प्लीज इस एरिया पे सबसे ज्यादा वर्क कीजिए, ठीक है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स क्लास के कले में उनको मैं क्लास में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते बताऊंगी। 1 मिनट रह गया है, प्लीज ग्रुप में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? चलो मैम। ओके बाय। Bye ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you ma'am. Welcome dear. अच्छा लगा मयूरी आप आए। हाँ मैम सरोजनी जी ने भेजा था लिंक क्या मैम का डेमो है। अच्छा अच्छा ठीक है। आप कैसी हैं मैम? बस बहुत बढ़िया, सबको मिस करती हूँ।